गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमडी आदाब ब्लॉग्स में। और भाई अभी बजने वाले हैं 5, एक आध मिनट बचा हुआ, हम 4:30 बजे जग गए थे फ्रेश व्रेश हो के, और एक थी 2-3 गिलास पानी पी लिया इसमें। और आज से भाई हम आज 9 तरगों का दूसरा दिन है, और आज से हम जा रहे हैं भाई टहलने। अब रोज़ का रूटीन बना लिया है, अब टहलना दोबारा से शुरू करेंगे। ये पेट को कम करना है और हेल्थ इशू कुछ हो रहे हैं वो भी सही करने हैं, तो चलते हैं वही टहलने। सुबह सुबह हमने योगा कर लिया है और एक्सरसाइज भी कर ली है, और अब बंदर नहीं निकल करने दे रहे आगे का एक्सरसाइज, यहाँ हो के निकलने वाला, इसलिए डंडा लेके मैं खड़ा हो गया हूँ। अब देखो कहाँ हो गया, देखो यहाँ होके नहीं निकलने दिया, तो उस तार से होके और वहाँ पहुँच के बता कितनी सारी एनर्जी है। देखें अब नहीं निकलने दूंगा, बहुत सारे बंदर हैं, देखिए आपको दूर से दिख रहे हो, पूरे पीपल के पेड़ पर चढ़े हैं, वहाँ पे आगे सब बंदर ही बंदर है। अभी यहीं होके रास्ता बना लेंगे। आज कई दिनों बाद बिस्तर से उठे हैं, तो आज चलते हैं भाई गाँव में। आज नहीं रुका जाएगा, आज गाँव जाएंगे ही जाएंगे। फिलहाल देखते घर का जो भी काम है वो निपटा देते हैं। और ये देखो बच्चों की आज छुट्टी है, तो ये सो रहा है। सौर भाई बहुत देर खोपड़ी मारनी पड़ी है, तब तार बंदी आज सही करी है, तार वार जो ऊपर गड़बड़ थे वो सारे सही कर दिए, ये भी सही कर दिया है, और वहाँ भी गड़बड़ था वो भी सही कर दिया। मोटर चला दिए, देखिए हवा आ रही मोटर की, अब देखते हैं पानी ऊपर पहुँचा या नहीं। ओके रोटी हो गए भाई, और आज हमें कुछ काम निपटाने हैं। एक तो तहसील से कुछ नकल लानी है, कुछ हमारे खेत ट्रांसफ़र हुआ था उसमें भी कुछ नाम गलत हो गया, और व्रत का आज है 4th यानी 5वां दिन। देखते हैं इसमें, देखते हैं पेपर में कौन सा दिन है भाई। ये है आज है बुधवार, और दिन है तुम्हारा आज समझ चतुर्थी, आज 4th दिन है भाई। तो आज हम खा रहे हैं देखिए फल, टोटल फलाहार पर रहेंगे पूरे 9वें दिन, कुछ भी नहीं खाएंगे सिर्फ फलाहार। भाई कल से राधेलाल शुक्ला जी हमारे साडू साहब हमारी ले गए थे गाड़ी यानी रानी को, तो अभी वो लेके आ रहे हैं, और ये सारा सामान आज हमने ले लिया है। देखो ये वाईफाई माइक है, और ये ट्राईपॉड है, और ये फ्रेम है कैमरे का, और आज कुछ बढ़िया एक्साइटिंग वीडियो शूट करते हैं भाई खेतों पर जाके। ठीक है तो चलते हैं भाई खेतों पर मिलते हैं, नहीं उससे पहले हमें आज तहसील जाना है, तो कुछ तहसील से कुछ काम करके तब निकलते हैं भाई। सब्सक्राइबर अभी 850 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि बस मेहनत करते जाओ और लगातार वीडियो बनाते जाओ, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या हाल हो रहा है, ये रखें सामान, ये देखिए ऊपर ऑफिस में भाई क्या क्या कांड चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। बढ़िया चल रहा। हाँ जी भाई अब बढ़िया बढ़िया बताते रहते हैं, हमारा कुछ बढ़िया दिखाई नहीं देता हमें कुछ। आज भाई बड़े दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं साडू साहब जी के साथ, और चलते हैं तहसील में, कुछ काम है ना, और कुछ काम है हमें भी, उसके बाद बैंक में कुछ काम है वो करके फिर गांव जाएंगे। भाई देखिए कितनी सारी भीड़ शुरू हो गई है, त्यौहार आने वाला है इसलिए लोकल लोग सुन तो यार चंद ना आज गुटर मोड़ा होते हैं, यही तो चला है वो है। पहले नहीं तो कचरा वो भाई, देखिए सारी कितनी भीड़ जमा है। आलू भी घर उठा ना है, आलू भी गवाई थी। हाँ ये है भाई टूला तहसील का मेन गेट, पहले नंबर वाला गेट है भाई। उनका काम ये है भाई सामने टूला तहसील, जहाँ में तहसीलदार SDM वगैरह बैठते हैं, ये वकीलों के वे हैं।
अपने खतौनी के कागज़ वगैरह लिखा चुके हैं हम, और अब देखते हैं पहले अपनी नकल निकलवा के चलते हैं भूले कंप्यूटर कक्ष पे। अब राजलाल शुक्ला अभी बातों में लगे हैं वकील साहब से। वही सामने टुल्ला तहसील का मेन ऑफिस और कंप्यूटर कक्ष पे, कंप्यूटर कक्ष पे भी बड़ी भीड़ लगी है भाई। तो बनवान भाई ये नकल तो निकलवा लाए हम, हमारा मित्र ही मिल गया था अकाउंट उस पर बैठा था, उसने कहा भैया लो बिना लाने में लगे लगा दो, तुरंत निकाल दी उसने। तो जान पहचान भी जगह जगह काम आ जाती हैं। तिल परिसर में ये लेखपाल के ऑफिस हैं, ये देखिए पीछे पुराने दुराने जो बने हुए सारे लेखपाल के ही ऑफिस हैं। और ये हमारे मित्र हरिओम यादव ने बनाए थे सारे ऑफिस, और ये मंदिर है। जय माता दी, जय श्री शंकर, जय शंभू। तहसील परिसर में मंदिर भी है और हरियाली बहुत है यहाँ, पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देख हमारे क्षेत्र के लेखपाल साहब उधर बैठते हैं, ये राधेलाल शुक्ला जी के क्षेत्र के लेखपाल साहब इधर बैठते हैं। ये देखिए, लेकिन वो ये साफ सफाई नहीं है और ये खंडर टाइप बना रखे ऊपर हुआ ऑफिस है। तहसील का काम हो गया है और साड़ू साहब से हमने ले ली अपनी रानी, और अब हम चलते हैं, पहले जाएंगे वैशालीपुरम ताऊ जी के पास और फिर जाएंगे गांव में, शर्मा जी की रोटी रखी है, मर जाएंगे बड़े बूढ़े आदमी तो उठाते हैं रानी। किधर है हमारी, ये है भाई हमारी रानी। हाँ सी तो आई रहूँ पर लगाई, चलो कार्यक्रम में आ चुके हैं भाई, और ये बच्चे आज छुट्टी का पूरा आनंद लेते हुए, और इनके घर में काम चल रहा है, धूल मिट्टी में बैठे हम भी, हमारे ऊपर भी बहुत सारी धूल हो गई है। और शर्मा बाबा की रोटी रख ली है, ताऊ जी आ जाए तो ही निकलते हैं। ठीक है भाई, भाई वैशालीपुरम से खाना ले आए और चलते हैं, ये आ गए अभी हम टोल टैक्स पर। भाई नौ दुर्गों की वजह से कितनी चहल पहल है, मार्केट भी बन चुकी है, टेम्परेरी मार्केट बन चुकी है। देखो सामने दिख रही हो आपको, सारी दुकानें इस साइड पर लगा रखी और इधर भी लगा रखी। वही अब नवमी के दिन बहुत भीड़ होगी यहाँ पर, नवमी के दिन मंदिर का ब्लॉग बनाएंगे पूरा माता रानी के दरबार में। देखो बड़े दिनों बाद आज पेड़ के, आम के पेड़ के नीचे आ पाए हैं। यहाँ आयुष्मान चौधरी हैं, यहाँ नरेंद्र यादव जी लेटे हैं, और ये कुतिया है। और बड़ा मौसम आज लग रहा है कि कैद में से निकल के आए हूँ, बड़े दिन बाद शांति मिल रही है दिल को। ठीक है, देखो चारों तरफ हरियाली। भाई हमारे कुछ मित्र ब्लॉगर साहब आए हुए हैं, ये हैं कौन से BMW राइडर ब्लॉगर, और ये रंजीत ब्लॉगर। नहीं लोना चला रहा हूँ तुम्हारा सब माने हुए, और वो हमारी एकेडमी है जिसमें बहुत सारा खरपतवार उग चुका है, और इस खरपतवार को साफ करने के लिए मित्र मुकेश यादव का फोन आ गया है, तो उनसे मिलने चलते हैं। वो कहीं ड्यूटी कर रहे हैं इधर ही FM गार्डन में, तो वहाँ चलते हैं। और भाई FM गार्डन सिटी में प्रवेश कर लिया, देखो पार्क कितना अच्छा है इसका, और उधर है इसका मेन गेट, एक और गेट है। और सामने राधा कृष्ण जी का खूबसूरत मंदिर, कई बार ये मंदिर दिखाया हमने लेकिन यहाँ अंदर नहीं जा पाए कई बार। देखिए यहाँ की सजावट, और बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ बन रही हैं चारों तरफ। देखिए इधर देखिए सजावट क्या लाजवाब है, पेड़ पौधे हरियाली जबरदस्त। पर यहाँ पे महंगाई बहुत है भाई, यहाँ पर फ्लैट लेना बहुत टेढ़ी खीर है। किधर है भाई मुकेश यादव, वो खड़े तो हैं
ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया गेट बन रहे हैं बाहर, ये फ्लैट है यहाँ तो भाई, एक फ्लैट मिलना चाहिए। और मैं देखिए भाई मुकेश यादव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी पूरी टीम हमारे नाराज ही यहाँ पर मिल गए हमें। वीडियो वीडियो देखते हो नाराज? आपके तो फोन खराब हो रहा मेरा। अच्छा दोनों बाद हमारे मित्र उमेश जी मिले हैं और ऊपर वाले की किस्मत से मुलाकात हो गई नहीं, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हो पाती है भाई, ये बिजनेसमैन आदमी है यहाँ तो गरीब किसान आदमी तो कहाँ मुलाकात होती है। भाई लौट के घर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो सब खाने पीने में लगे हैं, कोई जो सेब मारा व्रत हमें और देखो सेब और केला घर चल रहे हैं और सीरियल दिख रहा है। ये देखिए ठंड में हम आए पैदल पैदल, ये अपने भाई मज़े ले रहे हैं। चलो कोई नहीं, इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, भाई लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।